आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम का आउटलुक क्या है और साथ ही साथ में बात करेंगे कि यहां पर जो रिटेल सेगमेंट को क्या तगड़ा तरीके से बूस्ट करने का प्लान किया गया है, साथ ही साथ में ग्रीन एनर्जी की क्या बात हो रही है और कितना निवेश करेंगे उसके बारे में व्याख्या की जाएगी। आपको पता ही होगा एरमेको के साथ डील की बात चल रही है और उन्होंने अनाउंस किया है सऊदी एरमेको चेयरमैन यासिर अल रुमैयन को रिलायंस के बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। तो अच्छी बात है, गोल्डन सैक्स के अकॉर्डिंगली रिटेल सेगमेंट विल ड्राइव द ग्रोथ और उनके हिसाब से आगे आने वाले 10 साल में 10 गुना रिवेन्यू जनरेट करेगा करंट ये। तो इसके चलते हुए यहां पर फ्यूचर ग्रुप और साथ ही साथ में जिवामी, अर्बन लैडर और नेटमेड्स, ये सारे के सारे इनको काफी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे और इन्हीं की मदद से प्लस एडिशनल एक्विजिशन रिटेल सेगमेंट को ग्रो करेगा। तो ये उनका विजन है, क्लियर है कि यहां से ग्रोथ बढ़ानी है जो रिलायंस के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है अगले आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर 3 गुना रिटर्न देना है रिलायंस रिटेल बिजनेस को और ग्रीन एनर्जी में 72,000 करोड़ का निवेश करने की बात कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी पहल है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कॉस्ट कम रहेगी क्योंकि बैकएंड में फ्यूचर ग्रुप के इन्वेंट्री उनको हेल्प करेंगी, सप्लाई चेन हेल्प करेगी, फ्यूचर कंज्यूमर हेल्प करेगा और फ्रंट एंड में उनके जो एफबीबी स्टोर्स हैं वो सारे के सारे हेल्प करेंगे। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी सिनर्जी आ रही है उनकी यहाँ पर और इसके चलते हुए रिलायंस एजीएम की तरफ से एक थम्स अप है यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप की डील के रेफरेंस में। रिटेल विल बी फोकस और इन्होंने गूगल फोन का भी अनाउंसमेंट किया है सितंबर 10 को। ये एक कारण है जिसकी वजह से एजीएम के बाद स्टॉक मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा प्रेशर नीचे लगा था। यहां पर उम्मीद की जा रही थी कि ये एजीएम में फोन को अनरैप करेंगे, यहां पर फोन दिखाया जाएगा, बट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सप्लाई चेन डिसरप्शन, जैसा हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये अब डिले हो गया है और सितंबर 10 गणेश चतुर्थी को इनका करेंगे। जो इन्होंने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ग्रीन न्यू एनर्जी के लिए, उसके चलते हुए अब यहां पर स्टॉक की वैल्यूएशन अच्छी होगी और ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर बढ़ेगा। तो ग्रीन एनर्जी इज द मंत्रा फॉर करंटली। टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं, वॉल्यूम की दृष्टि से देखेंगे आज क्या हुआ है। तो देखिए, अगर आज आप 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहां पर सबसे पहले फ्यूचर रिटेल की बात करते हैं। फ्यूचर रिटेल ने 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो मॉर्निंग में एक प्रेशर लगा और नीचे का 66 रुपीज तक का लो गया और बंद होते हुए 67 पर बंद हुआ है ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंगली बाद के 45 मिनट में जब एजीएम चल रहा था तब ही इसने गिरावट शुरू की और 2180 से 2147 तक चला गया है, करीब करीब 33 पॉइंट गिर गया है यहां पर। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या होगी आगे की प्रक्रिया, तो देखिए दोस्तों, आपको ये बात समझनी है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, पर यहां पर हो सकता है जियो फोन की डिले की वजह से और स्पीड एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होने की वजह से यहां से ऊपर जाने में थोड़ा सा अभी टाइम लगे। कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वी विल कीप यू पोस्टेड, बट अभी के लिए इतना ही। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जियो का एक सरप्राइज आया है जो कि उसको शायद नेगेटिव व्यू रखेगा। 2 महीने में 81% रिटर्न, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं मंथली सर्विस के लिए। जय हिंद, जय भारत।